सो हे वीबियंस, स्वागत है आपका हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ मतलब एजुकेशनल टॉपिक की तो नहीं बात नहीं करने वाला हूँ, आज एक बहुत ही जनरल टॉक करने वाला हूँ मैं आपसे। वो इस बारे में है कि जैसे कि आप लोग कुछ डाउट्स होंगे कि भाई बोर्ड वगैरह कब होंगे, नीट की डेट डिले होगी कि नहीं होगी, और एजुकेशन सिस्टम इज़ गेटिंग वर्स डे बाई डे, तो ये क्या चीज़ है, ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा बेटर कौन सा नहीं, आज हम ये सब चीज़ बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर देखते हैं, उम्मीद करता हूँ मैं आपके इन चीज़ों के डाउट क्लियर कर पाऊँ कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेटर कौन सी नहीं। सो हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक तो खैर एक नॉर्मल सा है, मतलब कोई ऐसा पहाड़ वाला टॉपिक तो नहीं है। सबसे पहले चीज़ चलिए बात करते हैं कि ये जो आपका ना ऑनलाइन ऑफलाइन बड़ा चल रहा है आजकल, ये ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड, बात करते हैं कौन सी चीज़ बेटर है, ऑनलाइन मोड बेटर है या ऑफलाइन मोड बेटर है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक प्रायोरिटी होती है। अगर किसी बच्चे के पास ऑफलाइन की सुविधा नहीं है, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ ऑनलाइन है। कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि उसको कुछ नहीं मिल सकता, ऐसा अच्छा कुछ तो मिल ही जाए। भाई मान लो एक बच्चा जो है कहीं आउट ऑफ इंडिया से है, मुझे पढ़ना चाह रहा है, मुझे पता ऑफलाइन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ, तो वहाँ पर ऑनलाइन क्या है, बेटर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ऑफलाइन का ऑप्शन है तो आप ऑनलाइन पे मत जाइए जब तक कि आपका ऑप्शन ऑफलाइन का है। खैर वो तो बात की बात है, पहले समझते हैं कौन सी चीज़ बेटर है कौन सी नहीं है। देखिए वीवियंस, मेरा जो लास्ट ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, आप लोग भी मेरे से पढ़ते ऑनलाइन, ऐसी बात तो है नहीं आप नहीं पढ़ते। मैं आपको बताता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं आपको ऐसे बता पाता हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा सिंपल मैं ऑफलाइन में समझा पाता हूँ। एक ऐसा होता है जैसे मान लीजिए सामने मेरे कैमरा है, अब जब आप सामने बैठे होते हैं ना, तो अगर मान लीजिए मैंने कोई चीज़ पढ़ाई है तो आपके फेस पे दिख जाता है मुझे कि आपको चीज़ समझ में नहीं आई है, तो मैं वहाँ पर उस टॉपिक को एक नए तरीके से, एक नए सिंपल तरीके से पढ़ाने की दोबारा कोशिश करता हूँ। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, ऑनलाइन मैंने चीज़ भेज दी, 10 में से 8 को समझ में आ गई, 2 स्टिल डाउट में है, मेरे को नहीं पता डाउट में है कि नहीं, जब तक कि वो बोलेंगे नहीं, और आधे बोलते नहीं हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑफलाइन के अंदर एक चीज़ ये है कि टीचर को फेस देखकर प्रॉब्लम दिख जाती है कि बच्चे को कहाँ कोई इशू है, लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ टीचर नहीं देख पाता। और ये इसमें कोई टीचर में गलती नहीं है, ये गलती सारी सिस्टम में आती है। अगर ये गलती सिस्टम की भी नहीं है, ये सारा खेल बस होता है समय समय का होता है कि जब नीट जब पता है ये चीज़ नहीं है पॉसिबल तो यही करनी पड़ती है। सेकंड चीज़, ऑफलाइन में मैटर क्यों मानता हूँ, किसी एक टॉपिक को समझाने के लिए जैसे कोई भी जो चीज़ हम समझाते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन से, अपनी हैंड मूवमेंट से और बाकी चीज़ों से करके हम इन चीज़ों को और आसानी से समझा दिया करते हैं। लेकिन ऑनलाइन में समहाउ कभी कभी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। और एक बात और भैया, ऑनलाइन में बच्चा बैठा हुआ है, नींद आ रही है तो सो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर सो गया तो पता ही है कहाँ पे उससे कौन ही आएगी, उसे खुद नहीं पता, माने सामने बैठा है तो वो गलती से भी सो नहीं कुछ नहीं करा, सामने बैठ के पढ़ेगा, समझे। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टायर्ड भी है तो स्टिल ध्यान से सुनेगा, लेकिन अगर घर पे टायर्ड है तो पीछे तकिया लगा के ध्यान से सुनेगा। ये है एक दिक्कत ऑफलाइन और ऑनलाइन की। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा जो अभी करंटली एजुकेशन सिस्टम है वो मेनली ऑनलाइन डिपेंड हो रहा है। ठीक है, नो डाउट ऑनलाइन बुरा नहीं है, लेकिन ऑफलाइन से अच्छा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, याद रखना। अगर ऑफलाइन का ऑप्शन मिलता है तो आप ऑफलाइन पहले जाइए, देन ऑनलाइन का सेकंड ऑप्शन अगर है तो देन आप ऑनलाइन पे जाइए। और एक बात और, ऑनलाइन के अंदर मेहनत ज़्यादा लगती है टीचर की एज कम्पेयर टू ऑफलाइन, ये बात आप ध्यान सुन लीजिए। आधो लगता है कि नहीं ऑफलाइन में ज़्यादा, यहाँ पर ऑनलाइन में कम। जो टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं मेरी तरफ से उनको एक बहुत बड़ा ग्रैंड सैल्यूट है, क्योंकि भाइयों ऑनलाइन क्लास लेना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा मगजमारी है, आवाज़ आ रही नहीं आ रही, मैं दिख रहा नहीं दिख रहा, ये सब करते करते टीचर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। जिन पेरेंट्स को लगता है कि ऑनलाइन में टीचर की मेहनत आधी हो रही है, यकीन मानिए टीचर की मेहनत ऑनलाइन में दुगनी हो रखी है, दुगनी से भी दुगनी हो रखी है। तो इसीलिए भैया ऑनलाइन में हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा लगता है, ये तो मैं खुद ही चीज़ को फील कर चुका हूँ। इसलिए जो ऑनलाइन पढ़ा रहे मित्र उनको ऐसी ग्रैंड सैल्यूट है कि आप लोग इतना कर पा रहे हो। ठीक, अब ऑनलाइन में बेटर क्या चीज़ है, देखो ऑनलाइन में बेटर बस इतनी चीज़ है कि आप दुनिया के किसी भी कोने से होके आप कॉन्टैक्टलेस स्टडी कर सकते हो। माने अब जैसे इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, तो इस बड़े पैंडेमिक के अंदर सेफ्टी के साथ पढ़ाई कौन देगा, ऑनलाइन, ना कि
ऑफलाइन, ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। कभी कभी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, समय का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे जैसे मैं 4 से 5 बैच है नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे क्लास रिकॉर्ड होगी तो भी आपको लगा कि आपके पास समय थोड़ा सा बाद में निकल गया, आप वहाँ पे भी उसको देख सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब बताऊँ क्या है, अगर 3+ इसमें भी है तो 3+ इसमें भी है, 2- इसमें भी है तो 2- इसमें, फ़र्क है कि ये 3+ जहाँ है वहाँ वो 3- आते हैं और जहाँ 3+ वहाँ ये 3- आते हैं। तो दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान है, बट नो डाउट प्रायोरिटी में हमेशा मैं क्या बोलूँगा, अगर आपके पास संभव है ऑफलाइन लेना तो आप ऑफलाइन लीजिए, संभव नहीं है ऑफलाइन तब आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। ऑप्शन दोनों अच्छे बुरे कोई नहीं है, बस मैं आपको एक चीज़ लेकर दूँ कि ऑनलाइन में मेहनत ज़्यादा लगती है टीचर की, ठीक है, ये कोई मत सोचना कि टीचर की मेहनत नहीं लगती है, ये हम भी लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे इतना हम करा लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इसमें माइंड जो है ना शफल करता है। खैर इसकी बात छोड़ते हैं, अब जरा आते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, भाई ये बोर्ड वगैरह कब होंगे, ये बड़े आजकल डाउट चल रहे हैं। देखो जी ऐसा है, अभी जून से पहले तो कुछ आप सोच भी सकते भी नहीं हो, क्योंकि केस अभी इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि केस को भी नीचे ग्राफ आने में समय लगे, अभी तो ये बताए ग्राफ अभी कितना और ऊपर उठने वाला है। तो जो भी होगा आपका बोर्ड का पेपर 15-20 दिन पहले आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरी तरफ से आपको छोटी सी राय यह है कि आपको टाइम मिल गया अच्छा खासा, अगर आप लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे ना तो आपको ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। अब वैसे आमतौर पर क्या, मान लो बोर्ड अभी ले लिया, उसके 2 महीने का टाइम देकर फिर वो नीट लेते थे, इन्होंने क्या कर लिया, क्या क्या कर लेना इस बार, बोर्ड को इन्होंने आगे कर दिया और बोर्ड और नीट के बीच का टाइम कम करेंगे। तो अगर आप सोच रहे कि बोर्ड के बाद तैयारी करेंगे नीट के लिए तो वो सही नहीं है। मेरे हिसाब से क्या वो करिए, आपके पास टाइम इनफ है, आपने बोर्ड की तैयारी कर ली होगी, उम्मीद करने के तो आप करते रहिए, साथ में आप नीट का सिलेबस चालू कर दीजिए, ठीक है, नीट या जेई आपका जो भी आपका सिलेबस होगा, वैसे नीट का ही करंटली है, सिलेबस चालू कर दीजिए। जैसे ही बोर्ड आने वाला हो 15 दिन पहले नीट का छोड़कर प्योरली सीबीएसई में जंप मारिए, एंड देन आपका बोर्ड भी निकल जाएगा और आपका एंट्रेंस भी निकलने की पूरी आशंका हो जाएगी अगर आपने सही से पढ़ाई करी है। तो बात करूँ बोर्ड की डेट शीट की, तो उसका तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब जितने भी लोग इसकी डेट प्रेडिक्ट कर रहे हो सब अभी मान लो बस कहते ना अंधेरे में तीर मारना है वो वाला काम, क्योंकि जब तक केसेस कंट्रोल भी नहीं आएंगे पेपर के बारे में कोई सोचेगा भी नहीं लेने के बारे में, ठीक। और बात है नीट का, तो नीट का 1 अगस्त है, बहुत दूर है, मे बी जब तक हमारे हालात ठीक हो जाए तो उसका तो खैर वही टाइम रहने वाला, लेकिन बस बोर्ड का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में चांसेस मिल सकते हैं। इनकेस अगर रिजल्ट 12 के बोर्ड नहीं होते हैं तो मे बी चांसेस है कि कॉलेज के अंदर वो एंट्रेंस टेस्ट लेके आपका दाखिला कराएं, जो कहीं ना कहीं बुरा तो नहीं है, भाई 12 के मार्क्स चाहिए किस लिए आपको, बेसिकली कॉलेज एडमिशन के लिए, वो आपको वैसे भी दे देंगे टेस्ट ले लेके। तो अपना नॉलेज पे फोकस रखिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए, तो वो आपके लिए बेस्ट है। इस टाइम पर ये मत देखें पेपर कब हो रहे कब नहीं हो रहे, क्योंकि वो अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। सो बस इतनी बात करनी था, जब मैं सारा टॉपिक अपना था ही नहीं, तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय बायोलॉजी, टाटा बायो, सब बखैर, लव यू ऑल।